नमस्कार दोस्तों, ये कोई साधारण कथा नहीं, यह है मृत्यु पर विजय की कथा। यह है शिव भक्ति की वो अद्भुत गाथा जहाँ एक बालक ने शिव की कृपा से यमराज को भी हरा दिया। यह है अमरत्व के प्रतीक मार्कंड ऋषि की कहानी। मृकंड ऋषि, जो मार्कंड ऋषि के पिता थे, एक महान ऋषि थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने इस स्थिति को सुधारने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। शिव जी ने उन्हें दो विकल्प दिया। विकल्प में उन्होंने कहा कि हे मृकंड, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुम्हें दो विकल्प मिलते हैं, एक पुत्र जो ज्ञानी और धर्मपरायण होगा लेकिन उसकी आयु छोटी होगी, या दीर्घायु पुत्र जो अधर्मी और अल्पज्ञानी होगा। मृकंड ऋषि ने पहले विकल्प को चुना और इस प्रकार मार्कंडेय का जन्म हुआ। मृकंड ऋषि और उनकी पत्नी मरुदमती को यह ज्ञात था कि उनका पुत्र 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। मार्कंडेय बचपन से ही भगवान शिव के प्रति अत्यधिक निष्ठावान और भक्तिपूर्ण थे। वे एक अद्वितीय बालक थे जिन्होंने छोटी आयु में ही अपने जीवन का उद्देश्य समझ लिया। उनके मन में भगवान शिव के प्रति अत्यधिक प्रेम और श्रद्धा थी। जैसे जैसे बड़े होते गए, उन्होंने शिवलिंग की नियमित पूजा प्रारंभ कर दी। मार्कंडेय के 16वें वर्ष के करीब आते ही उनके माता पिता चिंतित हो गए। उन्होंने मार्कंडेय को बताया कि उनकी आयु केवल 16 वर्ष तक ही सीमित है, लेकिन मार्कंडेय ने अपने माता पिता को आश्वस्त किया कि भगवान शिव की भक्ति से वे इस संकट से पार पा लेंगे। अपनी मृत्यु निकट आते ही मार्कंडेय ने भगवान शिव की कठोर तपस्या आरंभ कर दी। उन्होंने अपने अंतिम छोना तक शिवलिंग की पूजा करने का निर्णय लिया और निरंतर शिवलिंग का आराधना में लगे रहे। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें और यमराज को उन्हें लेने से रोके। शिव महापुराण में बताया गया है कि उनकी तपस्या इतनी गहन और सच्ची थी कि शिव भी स्वयं उनकी प्रार्थना सुनने लगे। मार्कंडेय ने भगवान शिव के मंत्रों का जाप और ध्यान करते हुए स्वयं को शिवलिंग में समर्पित कर दिया। जब मार्कंडेय के 16वें वर्ष का समय समाप्त होना था, तब यमराज जो मृत्यु के देवता थे वो उन्हें लेने आए। यमराज ने मार्कंडेय को देखते ही उनके पास मृत्यु का फंडा को फेंका और उन्हें अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, लेकिन मार्कंडेय ने शिवलिंग को अपनी पूरी शक्ति से पकड़ लिया और शिव जी से प्रार्थना की। मार्कंडेय की इस अटूट भक्ति को देखकर यमराज ने भी थोड़ी देर प्रतीक्षा की, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मार्कंडेय को शिवलिंग से अलग करने का प्रयास किया। यमराज ने शिवलिंग पर पास फेंका जो शिवलिंग पर लिपट गया। जैसे ही यमराज पास फेंका, भगवान शिव अचानक प्रकट हुए और उन्होंने कहा, यमराज मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की? जो मेरी शरण में है उसे मृत्यु का कोई भय नहीं हो सकता। तब यमराज ने महाकाल जी से कहा, हे महाकाल जी, मुझे क्षमा करे, आपकी आज्ञा का पालन होगा। भगवान शिव ने तुरंत यमराज का पास काट दिया और यमराज को चेतावनी दी कि जो भी भक्त शिव की शरण में आएगा उसे यमराज का कोई भय नहीं होगा। भगवान शिव के इस शक्तिशाली रूप से यमराज भयभीत हो गए और तुरंत उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। भगवान शिव ने अपनी कृपा से मार्कंडेय को मृत्यु से बचाया और उसे अमृत वरदान दिया। शिव जी ने कहा, हे मार्कंडेय, तुम मेरे भक्त हो, आज से तुम्हें अमरत्व प्राप्त होगा। तुम सदा के लिए युवा रहोगे और काल की सीमा तुम्हारे लिए नहीं होगी। इसके बाद यमराज भी शिव जी के आदेश का पालन करते हुए वहां से चले गए और इस प्रकार भगवान शिव की कृपा से मार्कंडेय न केवल यमराज के फंदे से बचे बल्कि उन्हें अमरत्व की वरदान भी प्राप्त हुए। भगवान शिव के आशीर्वाद से मार्कंडेय अमर हो गए और सदा के लिए युवा बने रहे। वे
अपनी अमर अवस्था में धर्म, सत्य और भक्ति का प्रचार करते रहे। उनकी भक्ति और भगवान शिव के प्रति उनकी निष्ठा के कारण वे अमरत्वों का प्रतीक माने जाने लगे। यह कथा हमें ये सिखाती है कि सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो मृत्यु जैसे अजय शक्ति को भी परास्त कर सकते हैं। शिव भक्ति ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। हर हर महादेव। उम्मीद है कि ये कहानी आप सबों को अच्छा लगा। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी कथाएं हम आपके लिए लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।